सिवान सदर विधानसभा से प्लूरल पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने आज अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा कि इस बार लड़ाई असली नेता और नकली नेता के बीच में है। ऐसे नेता जो गंदगी फैलाते हैं उनको हटाना है और स्वच्छ लोगों को राजनीति में लाना है। चुनाव का दौर जारी है, यहाँ पे पुलर्स पार्टी के नेता डॉक्टर रामेश्वर सिंह नामांकन के लिए आ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, किन मुद्दों के साथ आज आप चुनाव में उतरे हैं? ये मुद्दा है असली नेता वर्सेस नकली नेता का। ऐसे नेता जो गंदगी फैला रहे हैं उससे एक सफाई करने वाले नेता का ये मुद्दा है। हमारे अभी तक शोषण किया गया है इस बात का कि हम कौन से जात से हैं, हम कौन से धर्म से हैं। तोड़ने वाले के खिलाफ जोड़ने वाले की ये राजनीति की मुद्दा है, यही हमारा बात है। और अब सिवान के युवा जाग चुके हैं। अब लोगों ने जैसे महापुरुषों को भी बांट दिया था, धर्म को भी बांट दिया था, जगहों को भी बांट दिया था, हम जोड़ने का काम करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। और सिवान को एक बेहतरीन ज़िंदगी मिले, एक स्वच्छ ज़िंदगी मिले, नरकीय ज़िंदगी ना मिले, जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ हो हर आदमी का। किस नेता के साथ है? हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा से है, उस विचारधारा जो तोड़ने वाली विचारधारा। क्या इस विचारधारा का लोगों को समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार युवा जाग चुका है, वो बहुत बार ठगा जा चुका है। 30 साल से हमारे युवा ठगे जा रहे हैं, हमारा समाज ठगा जा रहा है। वो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो बांटने की राजनीति करके, एक जाति विशेष की राजनीति करके काम किए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं उन नेताओं से नहीं, उन जनता से पूछना, क्या उन जाति विशेष का कोई कल्याण हुआ क्या? उनके ज़िंदगी में कोई बदलाव हुआ क्या? उनके बाल बच्चों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? उनके लिए हमारी सरकारें ने बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देने का काम किया है क्या? अगर नहीं किया है तो इस बार सबसे ऊपर उठकर केवल बिहार के लिए, केवल बिहार। अंत में हमारे दर्शकों को, सिवान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिवान के जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये हमारा जीत और हार दोनों एक संकेत जाने वाला है। आप एक सही आदमी को चुनिए, एक ऐसा आदमी को चुनिए जो राजनीति धंधा नहीं बनाया हुआ हो। धंधा के लिए राजनीति नहीं है, राजनीति समाज सेवा का एक जरिया है। मैं ये, आप जब वोट देंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी को भी वोट देंगे।